हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुब्रतो और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो उसी वीडियो एडिटिंग सीरीज का कंटिन्यूएशन है और ये एपिसोड 2 है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे पिक्चर्स के साथ आप कैसे एक वीडियो स्लाइड शो बना सकते हैं कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एनिमे है डेमोन स्लेयर, उसका पिक्चर्स यूज किया है। मैंने इंटरनेट से बहुत सारे पिक्चर्स उसके डाउनलोड किए थे और फाइनली मैंने वीएन एडिटर पे उन सारे पिक्चर्स को कंपाइल करके एक स्लाइड शो बनाया है। मैं आशा करता हूँ कि आपने जो एपिसोड 1 था ऑडियो एडिटिंग के बारे में उसको पूरा देखा होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑडियो यूज करने वाले हैं। और अगर आप वो वीडियो देख चुके हैं तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीएन एडिटर को। यहाँ हम नीचे से एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, फोटोज में जाएंगे और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखे हैं, तो इनको सिलेक्ट कर लेंगे वन बाय वन। तो हमारे पास 10 पिक्चर्स हैं, तो यहाँ पे एरो बटन पे क्लिक कर देंगे। तो एरो बटन पे क्लिक करते ही आपके टाइमलाइन में आ जाएगा और यहाँ पे टॉप में आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल दिखा रहा है, मतलब कि ये फ्रेम रेशियो है। जो पिक्चर्स का ओरिजिनल साइज था उसी में ये वीडियो बन रहा है, बट अगर हमको चाहिए तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टाइल है, टिकटॉक स्टाइल है, फिर यहाँ पे बहुत सारे कस्टम रेशियोज भी हैं। तो इस वीडियो को हम लोग 4:5 में बनाएंगे इंस्टाग्राम के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जिस भी फ्रेम रेशियो पे क्लिक करेंगे वैसे आपका फोटो एडजस्ट हो जाएगा और आप इसको यहाँ पे चाहे तो प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे या राइट लेफ्ट। तो मैं इसको थोड़ा मिडल में कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैंने सब पिक्चर्स को अपने हिसाब से प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप इसको प्ले करेंगे तो ये ऑलरेडी एक स्लाइड शो बन चुका है, बट इसका ड्यूरेशन बहुत ही ज़्यादा है, 30 सेकंड्स दिखा रहा है 10 पिक्चर्स के लिए, मतलब हर पिक्चर 3 सेकंड्स के लिए प्ले होता है। तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ड्यूरेशन को, यहाँ पे क्लिक करके इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं आप इसको। तो हम इसको इतना तक रखेंगे, ये कितना जा रहा है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, 1.76 सेकंड्स दिखा रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा जो फुल वीडियो है वो 9.45 सेकंड्स का बन चुका है और यहाँ पे हम इसको प्लेन स्लाइड शो नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ इसमें इफेक्ट्स डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफेक्ट्स का एक बटन है, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम लोग ब्लैक चूज करेंगे और इसका ड्यूरेशन थोड़ा घटा देंगे तो ये वीडियो कुछ ऐसे स्टार्ट होगा। और अब इसमें हम लोग थोड़ा म्यूजिक भी ऐड करते हैं ताकि ये वीडियो और भी अच्छा लगे। यहाँ आप ईच एंड एवरी इमेज पे कोई ना कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, तो आप कोई भी इफेक्ट लगा सकते हैं, वो आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जैसे कि स्पिन इन स्पिन आउट, तो यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं इसके साथ। तो आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ कि वीएन एडिटर में कैसे स्लाइड शो बना सकते हैं और उस पर म्यूज़िक और इफेक्ट्स कैसे डालते हैं, और आप इसमें बहुत क्रिएटिवनेस दिखा सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स यूज़ करके, या तो आप फिल्टर भी डाल सकते हैं अपनी इमेजेस पे। तो आप सब सेटिंग को थोड़ा ट्वीक करके देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आ रहा है और अपने हिसाब से अपने वीडियो को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड 1 में मैंने एक टारगेट रखा था 100 लाइक्स का, वो तो कम्प्लीट नहीं हुआ, बट वीडियो आना बंद नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज मैंने बहुत दिनों से प्लान किया था। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।